हेलो एंड वेलकम असेंड अकेडमी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ग्रामर, व्याकरण के निर्माण ब्लॉक या रचाखंड। सबसे पहले हम नाउंस पढ़ेंगे। नाउंस, ए नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। संज्ञा एक शब्द है जिसका उपयोग व्यक्ति, स्थान या चीज के रूप में किया जा सकता है, और इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे किंग है, मानिया है, सानिया है, मुंबई है, टेबल, ये सारे नाउन्स। प्रोनाउंस, सर्वनाम्स। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। सर्वनाम एक शब्द है जो कि नाउन की जगह यूज होगा, जैसे हमारे पास एग्जांपल्स हैं हामिद इज ए गुड बॉय, या हामिद जो है वो एक अच्छा लड़का है। हामिद की जगह हमने क्या यूज़ किया, ही। इसी तरह सोम्या इज़ माई फ्रेंड, सोम्या मेरी दोस्त है, और सोम्या की जगह हमने यूज़ किया हर। आई बॉट अ पेन, यहाँ जो है हम बात कर रहे हैं बेजान चीज़ की जिसमें सांस नहीं होती, तो हमने यहाँ इट यूज़ किया। भावना एंड पूजा और टॉकिंग, तो भावना और पूजा उनके लिए हमने क्या यूज़ किया, दे, उसको रिप्लेस किया। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स तीन प्रकार के होते हैं, ए, एन और द, और ये हमेशा नाउन से पहले आते हैं, जैसे यहाँ नाउन से पहले आ रहा है, यहाँ भी नाउन से पहले आ रहा है। ये पहले हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। वर्ब्स, क्रिया। ए वर्ब इज ए वर्ड डेट डिस्क्राइब एन एक्शन आर अक्रंस आर इंडिकेट ए स्टेट ऑफ बींग। क्रिया एक ऐसा शब्द है जो किसी क्रिया या घटना का वर्णन करता है या होने की स्थिति को इंगित करता है। एग्जाम्पल्स, उदाहरण, शी टॉक्स टू समीर, वह समीर से बात करती है। शी सिंग्स ए सॉन्ग, वह गाना गाती है। टॉक्स जो है यहाँ वर्ब है और सिंग्स भी वर्ब है। एडजेक्टिव्स, विशेषण। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज टू डिस्क्राइब ए नाउन। एडजेक्टिव जो एक वर्ड है और ये नाउन की विशेषताएं बताता है, जैसे एग्जांपल में ब्यूटीफुल हाउस, हाउस जो है वो नाउन है और ब्यूटीफुल क्या होगी, इसकी विशेषता है। एडजेक्टिव हो गया, या टॉल मैन, टॉल जो है वो एडजेक्टिव हो गया, या क्यूट गर्ल, क्यूट जो है वो एडजेक्टिव है, और या ब्रेव जो है वो एडजेक्टिव है। एडवर्ब, क्रिया विशेषण। An adverb is a word which modifies the meaning of verb, adjective, another adverb. क्रिया विशेषण एक शब्द है जो क्रिया विशेषण या किसी अन्य क्रिया विशेषण के अर्थ को संशोधित करता है। Examples, जैसे उदाहरण, he runs fast. Fast जो है वो adverb है, और they fought bravely, बहादुरी से लड़े, ब्रेवली जो है वो भी एडवर्ब है। प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड शोज द रिलेशन बिटवीन द नाउन और प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। प्रीपोजिशन एक शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम और वाक्य में अन्य शब्दों के बीच के संबंध को दर्शाता है। एग्जांपल्स, उदाहरण, द बॉय इज इन द रूम, लड़का कमरे में है। इन जो है प्रीपोजिशन है। द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पर है। ऑन जो प्रीपोजिशन है। कंजंक्शंस, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड व जॉइन टू सेंटेंस टू कंप्लीट देयर मीनिंग। कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए दो वाक्यों को जोड़ता है। एग्जाम्पल्स, उदाहरण, दे रीच द स्टेशन बट इट वॉज टू लेट, वे स्टेशन पहुँचे लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बट जो है वो कंजंक्शन है। ही पुट ऑन हिज शूज बिकॉज ही वॉज गोइंग फॉर अ रन, उसने अपने जूते पहन लिए क्योंकि वह एक दौड़ के लिए जा रहा था। यहाँ बिकॉज जो है वो कंजंक्शन है। Interjections, an interjection is a word expresses a sudden feeling or emotion. Interjection एक शब्द है जो अचानक भावना व्यक्त करता है। Examples, उदाहरण, hello, alas, hurray,
O etc. प्रैक्टिस टाइम ए क्रॉस द ओड वर्ड आउट क्रॉस लगाने हैं नंबर वन फ्रॉम पे नंबर सेकंड एट पर नंबर थर्ड वाउ पर नंबर फोर राइट पर नंबर फाइव फ्रेंड पर नंबर सिक्स टच पर नंबर सेवन हैप्पीनेस पर नंबर एट एट पर नंबर नाइन इमली पर नंबर टेन फास्ट पर बी फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच गिवन इन द ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच दिए हुए हैं ये आपको फिल करने हैं नंबर वन में डांसर नंबर सेकंड में आप रंस लगाओगे नंबर थर्ड में एब्सोल्युटली नंबर फोर में शी नंबर फाइव में ब्यूटीफुल नंबर सिक्स में हैप्पीली नंबर सेवन में वी नंबर एट में कैम और नंबर नाइन में शलकम।